नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने आज जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसके बारे में बात करने वाला हूं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे हैरी हैंस के द्वारा 1961 और 62 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो था हमारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो मैं आज आप लोगों के सामने हमारे अब तक के सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और जब हम दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं तो यह एक यह जो सिद्धांत है यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक और समूह में किया गया या समूह में पेश किया गया सिद्धांत है, जिसका श्रेय जाता है हमारे सबसे पहले हैरी हैंस को, जिन्होंने 1961 और 62 में हमारे 1961 और 62 में जो हैरी हैंस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया था तो पहली बार उन्होंने ही इसके विषय में बात किया था। इसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं कि ठीक 1967 और 68 में हमारे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर इन तीनों ही दार्शनिकों ने हमारी जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत थे पहले के, उन सभी को इन्होंने एक किया, उन सभी का अध्ययन किया और फिर जाके यह इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये मतलब कि ये कई सिद्धांतों का समावेश है। जब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की तो ये कई सिद्धांतों का एक समावेश रूप है जो कि वर्तमान में हमारे महाद्वीपों को और महासागरों के उत्पत्ति में और उत्पत्ति के एक सटीक सिद्धांत के रूप में कार्य कर रही है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे इसी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बात करने वाला हूं। और इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर आपने देखा था, किसी ने संवहनी धारा की बात की तो किसी ने हमारे गैसियस हाइपोथेसिस की बात की और अब जाके हम सटीक और सही सिद्धांत की बात करेंगे तो वो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में मैंने यहाँ बना रखा है, तो पहले आपको शुरू से बताते हैं कि जो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ये क्या है। तो आप दोस्तों देखना कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर इन तीनों व्यक्तियों ने इसको पेश किया है, इस सिद्धांत की बात की थी। उसके बाद आप देखना कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका प्रमुख और प्रमुख कारण क्या है कि यह उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हो कि आपको इतना तो पता होगा कि हमारी पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की हैं। मैंने आपको पृथ्वी की गतियों में बताया होगा कि इसकी दो प्रकार की गतियां हैं। तो एक तो घूर्णन गति है जो अपने अक्ष पर है और एक है परिक्रमण गति जो कि यह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन दोनों गतियां यानी कि पृथ्वी की, आप देख सकते हो कि पृथ्वी की गतियां जो दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों के कारण हमारे प्लेट विवर्तनिकी होता है यानी कि प्लेटों में हलचल होती है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों में हलचल होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉटस्पॉट और हॉटस्पॉट के द्वारा प्लूम का बनना। अब मैं आपको हॉटस्पॉट के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को मैंने संवहनी धारा सिद्धांत या हमारे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत मैंने आपको बताया होगा कि जो पृथ्वी का जो कोर भाग है वहां से संवहनी धारा बिल्कुल ही सूक्ष्म रूप से यानी कि कोशिका के रूप में उत्पन्न होती है और वो जो सबसे ऊपरी वाली प्लेट है, सबसे ऊपरी वाली परपटी, वहां पर ये बहुत विशालकाय मतलब कि बल उत्पन्न करती है। और यह जो बल उत्पन्न करती है तो क्या करती है, वो दो प्लेटों को, एक प्लेट को दो भागों में तोड़ देती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हॉटस्पॉट मतलब कि जहां से ये कोशिका के रूप में जो ये तरंग उत्पन्न हुई थी वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो कोशिका थी उनमें कुछ हलचल हुई और वो हलचल इतनी तेज थी कि वहां एक हॉटस्पॉट बना, मतलब एक बहुत ही विशाल और एक गर्म मतलब गर्म केंद्र बना जिसे कि हम हॉटस्पॉट कहते हैं। और वही हॉटस्पॉट ने क्या किया कि जब वो पृथ्वी के कोर से यानी केंद्र से उत्पन्न हुई और पृथ्वी के परपटी पर आके टकराई और उसने क्या किया, सबसे पहले तो हॉटस्पॉट बना, फिर हॉटस्पॉट ने ही पृथ्वी के परपटी को दो भागों में तोड़ा और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, मतलब कि हम कैसे पता करें कि जो प्लेट विवर्तनिकी है ये हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, हम इस सिद्धांत को कैसे माने कि हाँ वाकई में ही कोई प्लेट विवर्तनिकी नामक सिद्धांत है, क्यों माने हम, इसका कोई तो उदाहरण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ उदाहरण है, यहाँ है समुद्र सतह का फैलना, मतलब कि आपको पता होगा कि अभी मैं आगे आपको इस डायग्राम में बताऊंगा, तो यहाँ पर फिर भी एक नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि समुद्र सतह का फैलना, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है ये फैल रहा है,
यानी कि जो आप बीच में जो दरार दिख रहे हो, ये जो दरार है ये फैल रही है, मतलब कि हमारा जो अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है, और उसके साथ ही हमारी जो ये हिंद महासागर भी है यह भी फैल रही है। तो ये कैसे फैल रही है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहला तो उदाहरण था कि समुद्र का फैलना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन। आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया होगा कि सबसे पहली जो महाद्वीप थी हमारी वो थी पेंजिया, पेंजिया थी। फिर पेंजिया में दो दरार हुआ, दो भागों में टूटा, तो क्या क्या बना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर उनमें भी दरार आई तो हमारे वर्तमान में 7-8 जो भी महाद्वीप हैं तो वो बने। उसके बाद हम बात करते हैं कि नवीन मोड़दार पर्वत, यानी कि जो हमारे नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जैसे कि रॉकीज हो गया, मतलब कि उत्तर अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हिमालय पर्वत की बात करते हैं, फिर हम यूरोप के आल्प्स की बात करते हैं, तो ये सारे जो हैं नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो ये कैसे बने थे, ये बने थे हमारे महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, और यह पुख्ता सबूत है, पुख्ता उदाहरण है किसके, तो वो है प्लेट वैवर्तनिकी सिद्धांत के। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटों के मतलब कितने प्रकार हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेटों के प्रकार मैंने लिख रखा है, प्लेटों के दो प्रकार हैं, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। तो दोस्तों जब हम महासागरीय प्लेट की बात करते हैं तो हमारा प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागरीय प्लेट है। वैसे तो ये सबसे बड़ा है पर ये महासागरीय में भी सबसे बड़ा प्लेट है। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी एक महासागरीय प्लेट है, भले ही हमारी ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है महाद्वीप है पर इसका जो अधिकतर क्षेत्र है वो है जल से, यानी कि सागरीय क्षेत्र है, इसलिए हम इसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में बताऊं, तो महाद्वीपीय प्लेट यानी कि हमारी जो यूरेशियन प्लेट हो गया, फिर अफ्रीकन प्लेट हो गई, फिर अमेरिकन प्लेट हो गई, उसके बाद जो हमारी नीचे में है जो अटलांटिक प्लेट, तो ये हमारी हो गए महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ये कितनी, आप जब हम महासागरीय प्लेट की बात करते हैं तो ये हर साल 5 सेंटीमीटर खिसकती है अपने स्थान पर, हर साल 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम महाद्वीपीय की बात करते हैं तो यह हर साल 2 सेंटीमीटर खिसकती है। और आपको मैं बता दूं, आप कहोगे कैसे खिसकती है, हम कैसे माने, अभी आप लोगों ने हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं, अगर हम हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करते हैं तो वह एक समय 8,848 मीटर थी, पर जब आप वर्तमान में देखोगे तो वह कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई है, यानी कि हम उसे 8,848 के बजाय 8,850 मीटर कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी भारतीय इंडो भारतीय प्लेट है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है, और धसने के कारण क्या है कि ये जो यूरेशियन प्लेट यानी कि ये जो चाइनीज प्लेट है ये उठ रही है, और उठने के कारण क्या होता है कि हमारे हिमालय पर्वत है वो उठ रही है, राइज कर रही है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेट का किनारा यानी कि प्लेट का जो किनारा है वो कितने प्रकार का है, तो वह भी 3 प्रकार का है, रचनात्मक किनारा, उसके बाद है विनाशात्मक किनारा, फिर है हमारा संरक्षी किनारा, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था, प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो सबसे पहले 1961 और 62 में हैरी हैंस ने विचार प्रस्तुत किया, और उन्हीं को आगे किसने संकुचित और सामूहिक किया, तो वो हमारे मैकेंजी मार्गन और पार्कर थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह उत्पन्न कैसे होता है, तो पृथ्वी की गतियों के कारण और संवहनी तरंगों के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, तो समुद्र का फैलना, उसके बाद हमारी समुद्र का फैलना, फिर महाद्वीपीय विस्थापन, फिर हमारे नवीन मोड़दार पर्वत। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट कितने प्रकार की, 2 प्रकार की थी। तो मैंने आपको पूरी तरह से हमारे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे कि प्रमुख कितने प्लेट हैं और इनको कितने मतलब कितने प्लेट हैं। तो अब मैं बात करता हूं आपको, आप जैसे कि यहां देख रहे हो 1968 में मॉर्गन ने 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेटों के बारे में बात की थी, पर क्या हुआ कि 1995 में हमारी वॉशिंगटन डीसी जो कि डिसाइड करती है, जो फैसला लेती है, मतलब कि हमारी महाद्वीप कितने हैं और कितने बड़े हैं, कितने छोटे प्लेट हैं, तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि 7 बड़े प्लेट हैं और 9 छोटे प्लेट हैं। तो अब हम बात करते हैं 7 बड़े प्लेटों के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा मतलब कि पता ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 बड़े प्लेटों की, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया था प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करते हैं हमारी यूरेशियन प्लेट,
उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मतलब कि ये उत्तर अमेरिकन प्लेट, फिर दक्षिण अमेरिकन प्लेट, फिर है उसके बाद हमारी अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद हमारी हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये हमारी हो गई 7 बड़ी प्लेटें। उसके बाद हम छोटे प्लेटों की बात करते हैं। तो हमारी छोटे प्लेटें जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप छोटे छोटे प्लेटों को देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ आप जब साउथ अमेरिका की बात करते हो, दक्षिण अमेरिका की बात करते हो, तो उसके जस्ट बगल में ही नजका प्लेट है, और उसके और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो प्लेट है वो है कोकोस प्लेट। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यानी कि अमेरिका के पश्चिमी तट की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटी प्लेट है जिसे जुआन डी फुका प्लेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कनाडा के पश्चिमी तट की बात करते हैं, तो वहाँ पर गॉर्ज प्लेट है। तो ये हो गई हमारी छोटी प्लेट। उसके बाद एक आपको बता दूं कि पूर्वी मतलब मध्य उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में कैरेबियन प्लेट है, ये भी एक छोटी प्लेट है। उसके बाद हमारी आपको ग्रीनलैंड भी पता ही होगा, छोटी प्लेट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फिलीपींस प्लेट, उसके बाद हमारी हो गई कैरिबियन प्लेट, फिर हो गई हमारी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो मैंने आपको बताया बड़ी प्लेट में है। तो ये कुल मिला के सोमालियन प्लेट हो गया, और ये साइबेरियन प्लेट हो गया। तो ये सारी जो प्लेटें हैं ये छोटी प्लेटें हैं, तो मैंने आपको सारी प्लेटों के बारे में बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करते हैं कि जो तीन तरह की इसके किनारे थे या जो प्लेट थे, तो कैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से मतलब कि रेड मार्कर से मैंने अलग तरह से डिजाइन बना रखा है, लाइन खींच रखी है, फिर मैंने ग्रीन से बना रखा है डॉट डॉट करके, और फिर मैंने ब्लू से सिर्फ नॉर्मल खींच रखा है। तो हम बात करते हैं पहले ग्रीन की बात करते हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे हो रचनात्मक प्लेट, ये जो है ये दरार जो है यहाँ पर समुद्र मतलब कि यहाँ पर दो प्लेटों का टूट रहा है, और यहाँ टूट रहा है, और इसमें क्या हो रही है कि यहाँ जब जो ज्वालामुखी निकल रही है अंदर से, जो ज्वालामुखी की जो लावा निकल रही है, तो वह समुद्र के पानी से ठंडी होकर एक नई प्लेट का निर्माण कर रही है। मतलब कि टूट तो रही है पर वहाँ ज्वालामुखी के जो लावा निकल रही है, तो क्या हो रहा है उससे कि समुद्र के पानी से ठंडा होकर वहाँ नई प्लेट बन रही है, जिसे कि रचनात्मक प्लेट कहते हैं। आप जहाँ जहाँ ये ग्रीन ग्रीन डॉट देखोगे वहाँ पर आपको रचनात्मक प्लेट दिखाई दे रही है, और रचनात्मक प्लेट के कारण ही जो है हमारी समुद्र की जो सतह है वो फैल रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विनाशात्मक प्लेट। तो विनाशात्मक प्लेट आप जहाँ ये रेड रेड देख रहे हो ये लाइन, तो ये जहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी यहाँ पर एक प्लेट का विनाश हो रहा है। मतलब कैसे कि मैं आपको एक आसान समझाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये मतलब कि दो प्लेट है, आप मेरे हाथ को देख सकते हो दो प्लेट है। तो क्या है विनाशात्मक प्लेट में, क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, और एक प्लेट जो है नीचे जाके ज्वालामुखी में वो पिघल रही है, आप देख सकते हो। और इससे क्या है कि एक प्लेट तो एक के ऊपर चढ़ रही है, और जो दूसरी वाली प्लेट थी वो ज्वालामुखी में घुसकर पिघल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, नाश हो रहा है एक प्लेट का, और इसी के कारण हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो रॉकी है, एंडीज है, ये पर्वत जो हैं ये उठती हैं, राइज करती हैं, बनती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रचनात्मक बात कर लिया, उसके बाद विनाशात्मक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर मैं दो प्लेटें हैं, और वो दो प्लेटें आपस में बराबर में चलती है, मतलब कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मतलब कि ना इसे टकराएगी नहीं, मतलब कि इसके साथ साथ चलेगी पर किसी का नुकसान नहीं होगा, तो इसे कहते हैं संरक्षित प्लेट। तो दोस्तों यही थी हमारी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये जो हमारे प्लेट हैं, जो रचनात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट, संरक्षित प्लेट, इनके बारे में आगे एक स्पेशल रूप में मैं लेक्चर इन तीनों के बारे में लाऊंगा, तो इसमें आप चिंता मत करो, आगे इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यही थी हमारी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और जब हम पृथ्वी के हमारे महाद्वीपों को और महासागरों के उत्पत्ति की बात करते हैं, तो अब हम वर्तमान में इसी सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, और इसका जो श्रेय है हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों को जाता है। जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लॉर्ड केल्विन से लेके पार्कर तक के अहम मतलब योगदान है। लॉर्ड केल्विन मैंने इसलिए बोला, आपको पता होगा पहली लेक्चर थी लॉर्ड केल्विन की, जो कि हमारी गैसियस हाइपोथीसिस थी। उसके बाद हमारी सबसे आखिरी सिद्धांत है हैरी हैंस का, जो कि 1961 में दिया था उन्होंने। तो मतलब कुल मिला के जब हम इन सिद्धांतों की मिलाकर जब बात करते हैं, तब जाके हमारी बनती है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो दोस्तों यही थी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको प्लेटों के साइज और इसकी उत्पत्ति और इसके संचलन के बारे में मैंने बताया। धन्यवाद।